क्वेश्चन इज फाइंड m इफ टू पॉलिनोमियल्स, यहां पर एक पॉलिनोमियल नहीं है जिसको एफ एक्स हम लोग बोल रहे थे ना एज पर द बुक, दिस इज योर एफ एक्स, है ना। अब यहां पर एफ एक्स एक सिंगल नहीं है, यहां पर डबल है ना। फाइंड f इफ द टू पॉलिनोमियल्स एम एक्स क्यू प्लस फोर एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एंड दिस पॉलिनोमियल थ्री एक्स क्यू माइनस टू एक्स प्लस एम लीव्स द सेम रिमाइंडर। दोनों के दोनों कैसे रिमाइंडर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दोनों का रिमाइंडर मीन्स किसी भी चीज से अगर आप इसको डिवाइड करें, किसको, इसको, सपोज दैट दिस इज एफ वन एक्स और ये वाला हम लोग ले लेते हैं एफ टू एक्स, दोनों को अगर आप डिवाइड कर रहे हैं किस किस चीज से, लीव द सेम रिमाइंडर वेन डिवाइडेड बाई, हाँ देखो इन्होंने ये भी दे दिया, किससे आप डिवाइड करने जा रहे हो, एक्स माइनस टू से, ठीक है। यहां एफ टू एक्स है और इसको डिवाइड कर रहे हो किससे, x माइनस टू से, दोनों को डिवाइड कर रहे हो, तो दोनों की कंडीशन में रिमाइंडर क्या आ रहा है, जो रिमाइंडर सपोज दैट यहां पर a आया तो यहां भी क्या आना चाहिए a, ऐसा कब पॉसिबल है। चलो एक करके दिखाते हैं, एक करके दिखाया जाए आपको, चलिए देखते हैं रिमाइंडर सेम कैसे आ सकता है। जैसे ध्यान से देखना और सेम नंबर से डिवाइड करिए, बताइए यहां पर क्या लिखा जाए, जल्दी सोचिए, सिंपल सा एक एग्जांपल देना, बताइए 8 बोला, ठीक है, और यहां पर भी अब क्या होना चाहिए रिमाइंडर, ऐसे आप नंबर लीजिए जिससे रिमाइंडर सेम आए, 11 यहां पे 11 ले, 11 हाँ अच्छा 3 से डिवाइड करें, 3 टू जा 6, ठीक है, तो क्या आएगा 8 माइनस 6 कितना आया 2। अब 3 से, क्योंकि आप लोग आपको जो डिवाइड करना है वो चीज सेम है, चेक कर लो 3 जा 9, हमें इससे मतलब नहीं है कि वैल्यू क्या आ रही है ना, बट क्या आ रहा है 3 जा 9, तो 2 आया ना, दोनों का रिमाइंडर सेम है। इसमें क्या स्पेशलिटी थी, स्पेशलिटी क्या है, हमें अगर थ्योरम पता है जो अपनी रिमाइंडर थ्योरम थी, इफ एफ एक्स इज डिवाइडेड बाई x माइनस ए देन द रिमाइंडर इज f ऑफ a, तो रिमाइंडर क्या होता था f ऑफ a, और यहां पर वो x माइनस ए अपना ये है, दिस इज x माइनस a, अगर इसको डिवाइड कर रहे हैं किससे, इफ एफ एक्स इज डिवाइडेड बाई दिस x माइनस देन द रिमाइंडर इज f ऑफ a, तो जो रिमाइंडर इसके लिए होगा वही रिमाइंडर इसके लिए होगा, ठीक है, मतलब x इक्वल यहां पर क्या लेंगे s, x इज इक्वल 2, सही है, तो मतलब जो एफ वन एक्स, अगर हम ये एफ वन एक्स ले रहे हैं तो एफ वन एक्स जो भी है, this polynomial is equal this polynomial f टू एक्स, सही है, इस कंडीशन में, तो x अब एफ वन एक्स है क्या तुम्हारा, एम एक्स क्यू प्लस फोर एक्स स्क्वायर माइनस सेवन, और एफ टू एक्स कितना है बेटा, थ्री एक्स क्यू माइनस टू एक्स प्लस एम, और x के प्लेस पर आप क्या पुट करोगे 2, तो थ्री एम इंटू टू टू द पावर 3 प्लस 4 इंटू टू टू द पावर 2 माइनस 7 इज इक्वल 3 इंटू टू टू द पावर 3 माइनस 2 इंटू 2 प्लस एम, सही है, 2 टू द पावर 3 8m प्लस 4 जा 16 माइनस 7 इज इक्वल अगेन 8 3 जा 24 माइनस 4 प्लस एम, कैंसिल हो रहा है कुछ नहीं हो रहा, चलिए बाद में करते हैं, 16 माइनस 7 9, 8 m is here and here 24 minus 24 20 plus m, सही है, ट्रांसपोज किया जाए, वी विल ट्रांसपोज 8 m माइनस m एंड here इज 20 माइनस 9, सो 20 माइनस 9 इज 11 एंड 8 m माइनस m 7 m, m इज 11 अपॉन 7, दैट्स इट, आंसर इज बी करेक्ट, है यूनिक क्वेश्चन, चलिए ये थोड़ा सा इसको पीछे करते हैं, और पीछे कर लेते हैं थोड़ा सा, एक बार रिवाइज करना पड़ेगा, चलिए क्वेश्चन इज व्हेन अ पॉलिनोमियल एक्स क्यूब प्लस टू एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 8 इज डिवाइडेड बाई एक्स माइनस टू, अगर इसको हम डिवाइड कर रहे हैं किससे, एक्स माइनस टू से, इस पॉलिनोमियल को, मतलब ये एफ एक्स को,
देन द रिमाइंडर इज के, पहले ही बता दिया जो अपना रिमाइंडर होता है, जबकि रिमाइंडर थ्योरम में क्या, इफ एफ एक्स इज डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए देन द रिमाइंडर इज एफ ऑफ ए, इन्होंने रिमाइंडर पहले से दे दिया, क्या दे दिया, देन द रिमाइंडर इज के। बट अभी रुको, तो अभी इन्होंने पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ के, बट अब ये बताओ जो एफ ऑफ ए होगा वो क्या है, ए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए, एक्स माइनस ए दैट इज इक्वल जीरो, सो एक्स इज ए। तो कहने का मतलब ये था कि इफ एफ एक्स इज डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए देन द रिमाइंडर इज एफ ऑफ ए, हम लिख दे रहे हैं इफ एफ एक्स इज, आप समझे यहां से, इफ एफ एक्स इज डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए देन द रिमाइंडर इज, देन रिमाइंडर इज एफ ऑफ ए। तो रिमाइंडर जो इनको देना था, अपने क्वेश्चन से कंपेयर करें, यहां पर एफ एक्स अपना देखो जरा जल्दी बताओ क्या है, एक्स क्यूब प्लस टू एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस एट डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए, अपना डिवाइड किससे हो रहा है, एक्स माइनस टू, तो एक्स माइनस टू से जब डिवाइड हो तो रिमाइंडर कितना रहा, रिमाइंडर इज, रिमाइंडर अपने क्वेश्चन में देखें यहां पर आए देन रिमाइंडर इज एफ ऑफ ए, तो रिमाइंडर इज के, और रिमाइंडर आपका कितना है, आपका तो बेटा एफ ऑफ ए है, एंड दिस एफ ऑफ ए इज इक्वल के। भाई आपके ए की वैल्यू क्या है, चलो पता करो, टू, योर वैल्यू ऑफ ए इज टू, क्योंकि आप अगर x माइनस ए आप ले रहे हैं तो x इज, x माइनस ए इज इक्वल जीरो, दैट मीन्स x इज ए, तो पर्टिकुलर वैल्यू है क्या, वॉट इज द वैल्यू ऑफ x, x इज टू, सो दे आर आस्किंग यू वॉट इज द वैल्यू ऑफ f ऑफ टू, एंड दैट f ऑफ टू इज कन्फर्म, इट इज k, f ऑफ टू जरा चेक करें कहां से निकालेंगे, यहां से पुट करेंगे, क्योंकि एफ एक्स हमारा एक्स क्यूब है, तो एफ ऑफ टू कितना होगा, पूरा एफ एक्स अगर देखें, एक्स क्यूब प्लस टू एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस एट, तो एफ ऑफ टू मीन्स टू टू द पावर थ्री प्लस टू इंटू टू टू द पावर टू माइनस के इंटू टू प्लस एट इज इक्वल के, सही है, बड़ा लंबा था, टू टू द पावर थ्री, चलो इधर करते हैं, एट प्लस फोर टू जा एट अगेन प्लस एट माइनस टू के प्लस बहुत सारे एट इज इक्वल के, तो एट एट प्लस एट ट्वेंटी फोर, एंड हियर दिस इज नेगेटिव टू के, ट्रांसपोज करते हैं, इट इज थ्री के, सो दिस इंप्लाइज थ्री के इज ट्वेंटी फोर, सो के इज ट्वेंटी फोर अपॉन थ्री एंड दैट इज एट, फाइनल आंसर इज एट, ठीक है। चल नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 14 नेचुरल नंबर्स वेयर ईच नंबर इज डिविजिबल बाय 9, सो वी विल मेक फर्स्ट एपी, सबसे पहले क्या बनाएंगे हम लोग, एपी बनाते हैं, एपी देखते हैं, एपी क्या हो रही है, हेयर वी विल क्रिएट एपी, एपी इज 9 वन जा 9 फर्स्ट, सेकेंड इज 18 27, अब कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो 9 टू जा फिर उसके बाद 9 10 जा फिर उसके बाद 9 11 जा फिर 12 जा फिर 13 जा फिर पूरा लिखते जाएंगे, तो इतना टाइम नहीं है आपके पास, है ना, आप इसको फिल इन द ब्लैंक्स कर दीजिए, बस छोड़िए, ए फॉर फर्स्टर दैट इज 9, है ना, एंड नेक्स्ट इज डी सेकेंड टर्म, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिफरेंस इज 18 माइनस 9 सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म इज 18 फर्स्ट टर्म इज 9, सो दैट इज 9। अच्छा अब उन्होंने पूछा है सम ऑफ फर्स्ट 14 नेचुरल नंबर, है ना, तो कुछ लोग ऐसा जैसे आदित्य बोल रहे हैं 9 प्लस 18 प्लस उसके बाद 27 प्लस उसके बाद 36, है ना, ऐसे करते जाइए, है ना, तो बहुत लंबा प्रोसेस है, कुछ नहीं करना है ऐसे, बिल्कुल नहीं करना है, एस एन आप सीधा अप्लाई करिए भाई, जो आपने जो एप्लीकेशन पढ़े हैं उनका यूज करिए, एस एन इज वॉट एन अपॉन टू ब्रेक इट टू ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी n for 14 क्योंकि s 14 they are asking to you sum of 14 term, ये s 14 क्या दिखा रहा है, sum of 14 term, this is 14 upon 2 break it 2 into a for plus n for minus 1 and d for again 9, so we have a 14 upon 2, चलो इधर देख लेते हैं बच्चों, 14 upon 2 s sorry sn is equal 7 कर दूं, s 14 is equal 7 because 2 7 is 14 and here is into bracket 9 18 2 9 is 18 plus 14 minus 1 13 and 13 9 is
सुन लिया सबने। 119 117 117। सो दिस इज 7 × 18 + 117 135। 7 × 5 945। अच्छा 7 × 5 = 35। 7 × 3 = 21 21 + 3 = 24 एंड 7 × 9 = 945 इज करेक्ट। चलिए, इट इज जस्ट अ वर्क, ऑल ऑफ यू विल कंप्लीट इट, इट इज होमवर्क। ओके, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।